Hello everybody, today is the ninth day of the 50 days 50 marks series for ABM component of CAB exam. As you know that the exam will be held on 24th November, so usse pehle hamara target hai ki jo bhi important concepts hain unko in particular approximately I would say not particular approximately 50 days mein cover kiya jaye, so that hamara jo score hai wo enhance ho aur 50 plus marks se hum qualify kar paye a particular component. And in order to help you out, we have also launched our CAB 2024 master course, which has all the four compulsory components covered comprehensively in it, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL. यहाँ पे 20 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस विल बी देयर इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहने वाले हैं. एंड राइट नाउ वी आर रनिंग वेरियस डिस्काउंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स, सो डू चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट एंड एनरोल इन द कोर्स इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल. सो आज जिस यूनिट को हम टारगेट करेंगे, इट विल बी यूनिट 6, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट पार्ट जो है इसका, वो हमने डे 7 दैट इज लास्ट क्लास में देखा था, और उसके अंदर जो बेसिक्स थे बेसिकली वो ही हमने चेकआउट किए थे कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग रहता है, प्लस मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की, एंड व्हाट डू वी मीन बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अलॉन्ग विद द मल्टीप्लीकेशन थ्योरम. आज का जो टॉपिक है, इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड अ रैंडम वेरिएबल. अब रैंडम वेरिएबल से आपके माइंड में जो आता है वो ये आता है कि सपोजिंगली हमारे पास जैसे अलजेब्रा में होता है, अलजेब्रा आई होप कि आप सबको पता होगा, अलजेब्रा के अंदर रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लीव रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल आर एक्स वाई जेड और जो भी आपने वेरिएबल सोचा है अपने माइंड में, फाइन. बट अगर आप रैंडम वेरिएबल की बात करो तो अलजेब्रा में आप सपोजिंगली ये बोलोगे कि मैं कोई पर्टिकुलर एक्स या पर्टिकुलर वाई या पर्टिकुलर जेड को वेरिएबल नहीं मानूंगा, एंड आई विल सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम एज अ वेरिएबल, तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल. बट यहाँ पे स्टैट्स में ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें प्रोबेबिलिटी की तो ऐसा नहीं होता है. रैंडम वेरिएबल इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर व्हेन वी टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो आज हम समझेंगे रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल वी विल सी कि एक्सपेक्टेशन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन क्या रहता है एक रैंडम वेरिएबल का. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरिएबल तो भी मैंने बता दिया आपको कि अलजेब्रा में एक्स वाई जी हम लेते हैं, एंड रैंडम जो है वो कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है इन केस ऑफ अलजेब्रा, जब हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं. बट यहाँ पे जो वेरिएबल है स्टैट्स में वो क्या रहता है उसको समझते हैं. बट उससे भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वॉट इज़ अ फंक्शन. फंक्शन क्या होता है एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में या एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल इक्वेशन में. अ फंक्शन इन मैथमेटिक्स इज एन एक्सप्रेशन, रूल और लॉ that defines a relationship between one variable, the independent variable, and the another variable which will be dependent on that. Okay? तो इतना आपने समझना है कि आपके पास जो भी एक particular function होगा जिसके through आप define कर रहे हैं एक specific expression को या फिर एक law को, in order to define or in order to maintain or in order to generate a particular relationship between टू वेरिएबल्स, और उन दो वेरिएबल्स के अंदर रिलेशनशिप कैसा होगा, एक जो होगा इट विल बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सेकेंड वन विल बी इंडिपेंडेंट, फाइन. तो दो वेरिएबल्स के अंदर अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है देन वी डिफाइन अ फंक्शन. तो बार बार हम फंक्शन की बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको एक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे बता दी ऑलरेडी कि फंक्शन होता क्या है बेसिकली, फाइन. अब आते हैं रैंडम वेरिएबल पे. रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर विद ईच एलिमेंट इन अ सैम्पल स्पेस, फाइन. ऐसे देखने में बहुत ट्रिकी लग रहा होगा आपको कि ये जो सैम्पल स्पेस है इसके साथ हम कैसे डिफाइन करेंगे, बट थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं इसको यहाँ पे. तो देखो, अगर हम बात करें कि सपोजिंगली एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है, और जो आउटकम्स हैं या फिर जो नंबर ऑफ यू कैन से एलिमेंट्स हैं, एक्स हमने वेरिएबल मान लिया, इस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2 एंड 3, फाइन. और इस पर्टिकुलर यू कैन से वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी क्या क्या है कि इसकी वैल्यू 0 होएगी, 1 होएगी, 2 होएगी, 3 होएगी, इसको हम डिनोट करते हैं पी एक्स से, और इसको हम बोलते कैसे हैं, दैट प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर एक्स, फाइन. प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर एक्स. तो सपोजिंगली
यहाँ पे जीरो की जो वैल्यू है वो कितनी होएगी, 0.1 हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, एक्स की वैल्यू जीरो हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, फिर वन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी लेट से 0.4 हम बोल रहे हैं, देन टू हो सकती है एक्स की वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है लेट से 0.1 अगेन, एंड 0.4 जो है वो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, फाइन। तो ये जो है टोटल इट विल बी 1, एज यू नो कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है इट रेंजेस बिटवीन 0 to 1, और जो फाइनल प्रोबेबिलिटी आती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इन चारों वैल्यूज को ऐड करोगे आप तो यू विल गेट 1 एज द आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज एक्स, फाइन, वेरिएबल इज एक्स ना, बट यू कैन नॉट से कि जो इसकी वैल्यूज हैं दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप, कोई ना कोई रिलेशनशिप तो रहा होगा तभी आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल के आ रही है। तो यहाँ पे जो ये x है दैट इज द रैंडम वेरिएबल, फाइन, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है बट डिफाइन आप ऐसे करोगे, और थोड़ा सिंपल इसको बनाते हैं हम एक एग्जाम्पल लेके, दैट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने जो है वो कंडक्ट करवाया एंड यू हैव टॉस्ड अ कॉइन 2 times एंड ऑब्जर्व्ड द रिजल्ट ऑफ ईच टॉस, ओके, तो हेड और टेल दो ही आउटकम हो सकती हैं, तो या तो आप ऐसे डिनोट करो इसको कि प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी द आउटकम विल बी ओनली हेड, फाइन, जो आपका हेड है वो आए, फाइन, ये तो बहुत सिंपल है लिखना, अगर सिंपली एक ही कॉइन आपने टॉस किया है, अगर दो कॉइन्स आपने टॉस किए हैं तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी जो है इट कैन बी हेड और टेल, और इसको और कॉम्प्लिकेटेड अगर हम बना दें कि हमें ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या है सो दैट जहाँ पे जिस भी कॉइन में आपका हेड्स आ रहा है, फाइन, जो भी कॉइन है दोनों में से जिनमें भी हेड्स आ रहा है, हेड्स आने के बाद उनकी जो वैल्यू है हेड्स की, उनके जो भी मतलब आपके हेड्स आएंगे यहाँ पे हेड वन और यहाँ पे हेड टू आएगा, इन दोनों का जो समेशन है, या फिर अगर डाइस का एग्जांपल लें देन इट विल बी बेटर कि दो डाइस हमने रोल करी सपोजिंगली, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि D1 प्लस D2 जो उसकी सरफेस पे आएगा जो हम रीड करते हैं डाइस का नंबर, इट इज़ व्हाट, इट इज़ 6। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना वुड बी डिफ़िकल्ट, फाइन, तो हम क्या करेंगे कि D1 प्लस D2 एक फंक्शन ले लेंगे, D1 प्लस D2 हम ले लेंगे एक वेरिएबल को दैट इज़ x, फाइन, तो हम ये डिफाइन कर देंगे पहले ही उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दैट D1 प्लस D2 इज इक्वल टू x। तो ऐसे रिप्रेजेंट अगर आप करोगे देन इट माइट बिकम कम्बरसम, बट अगर मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, क्योंकि हमने अब x को डिफाइन कर दिया एज D1 प्लस D2 डाइस का जो समेशन है, तो हम सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 6। तो सिंप्लीफिकेशन यू कैन से कैन बी डन वाया योर रैंडम वेरिएबल, सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैन बी डन बाय यूजिंग द रैंडम वेरिएबल। तो इतनी सी ही है इसकी स्टोरी यू कैन से और द कॉन्सेप्ट कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, बट हाँ समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कन्फ्यूजन विल रिमेन बिकॉज क्वेश्चन हमें सॉल्व करने एंड अल्टीमेटली हमको जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और यू कैन से मीन, ये पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल का। तो अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा रैंडम वेरिएबल क्या होता है देन इट माइट गेट टफ, ओके। सो इन अदर वर्ड्स रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन एक्स S tends to R, where S is the sample space of a random experiment under consideration and R is the real number line. अब जो ये dice वाला example मैंने दिया था तो इसमें sample space क्या होएगा कि जो दोनों dice आपने roll करी हैं उसकी जो भी outcomes हैं, sample space कितनी होगी, 36, हमने last class में देखा था इसी series की कि sample space will be what, 36, और उस 36 में से आपने R जो define करा है it is what, कि आपका जो summation है उन दो डाइस के आउटकम्स का वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो सैंपल स्पेस इज टेंडिंग और इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स 6 और ग्रेटर देन 6, दैट इज द रियल नंबर लाइन, फाइन। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज दैट यू प्ले अ सर्टेन लॉटरी बाय बाइंग 1 ticket पर वीक, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वीक्स अंटिल यू विन द प्राइज, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, ओके, नंबर ऑफ वीक्स। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, सपोज दैट यू प्ले अ सर्टन लॉटरी बाय बाइंग 1 ticket per week, ओके, और एक्स क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ वीक्स अंटिल यू विन अ प्राइज। तो आप डिफाइन क्या कर दोगे कि ये वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है
या फिर थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन भी अभी हम इसे बोल सकते हैं, मैथमेटिकल तो नहीं बना है। इस पर्टिकुलर केस को हमको टेंड क्या करवाना है, हमें विन करना है, फाइन, हमें विन की तरफ लेके जाना है इसे। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा, ये वाला, यहाँ से जितने भी आपके सैम्पल्स निकलेंगे कि आपने हर एक हफ्ता, हर एक वीक ऑफ अ मंथ टिकट बाय करी है एंड यू आर टेंडिंग टूवर्ड्स अ विक्ट्री, फाइन। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स, और जो भी आपने एक्स वाई जी जो भी लेना है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स अ विक्ट्री, फाइन। तो ये आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डन यूजिंग द रैंडम वेरिएबल। ओके, फंक्शन हमने देख लिया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है वो हमने देख लिया, और रैंडम वेरिएबल को भी डिफाइन कर लिया है। अब रैंडम वेरिएबल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। एंड यू माइट हैव लर्नड इन द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, और यू कैन से यूनिट नंबर सेकेंड, जहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस थी, यूनिट नंबर वन और टू, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, इन दोनों यूनिट में से एक यूनिट है जहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस थी आपके स्टेटिस्टिक्स की। वहाँ पे हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज में देखा था कि डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट एंड कॉन्टिन्यूस मीन्स इंटरवल। तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन वैलिड है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होगा, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, फाइन, 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विल बी व्हाट, इट विल बी अ पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल जिसमें हम इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, उसे एक इंटरवल मिलेगा, फाइन। सो अगर तो फाइनाइट नंबर है और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, देन वी से कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। कौन सा हो सकता है, एज हो सकता है, नंबर ऑफ अराइवल इन क्लिनिक हो सकता है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट हो सकते हैं, फाइन, डिफाइन कर पा रहे हो आप, इट इज काउंटेबल इन नंबर। एंड कॉन्टिन्यूस रैंडम में क्या होगा, इफ द रैंडम वेरिएबल टेक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, इट इज नोन एज कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, जैसे कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स और वेट। अब ये जो है, यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं किया गया कि आपने वेट इन व्हाट, वेट तो कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन केस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास, तो ऐसा तो है नहीं सारी क्लास को एक ही नंबर आ जाएगा कि 80% आ गए सबके, इट विल वेरी ना, तो एक इंटरवल बनेगा बेसिकली, फाइन। तो रैंडम वेरिएबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आप थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी तो इससे थोड़ा सा आप बोल सकते हो ईजियर साइड में होता है, बिकॉज उसमें आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकली आते हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी है, फाइन। अब जो दो टर्म्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मास फंक्शन एंड डेंसिटी फंक्शन की हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमसे एग्जामिनर पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मास फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन का डिफरेंस क्या है। अभी हमने देखा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के डिफरेंस, उसी को अगर हम आगे फर्दर क्लासिफाई करें, देन यू विल सी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज डिफाइंड फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फाइन। जब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात होगी, तभी हम जो फंक्शन है वो कौन सा डिफाइन करेंगे, PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और जैसे ही हम डेंसिटी की बात करेंगे, देन वी विल से कि हम किसके फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग फॉर द कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों मास फंक्शन का। जैसा यहाँ पे हमने देखा, रैंडम वेरिएबल से पहले हमने फंक्शन डिफाइन किया, फाइन, मतलब फंक्शन और रैंडम वेरिएबल आर बेसिकली इंटर रिलेटेड। अगर आपको फंक्शन पता है, देन यू कैन ईजिली से कि आपके पास रैंडम वेरिएबल कौन सा है, एंड सिमिलरली इफ़ यू नो कि आपके पास रैंडम वेरिएबल किस टाइप का है, उसके ही अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट कि कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। तो अगर आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, यू विल से कि PMF हम फाइंड करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूस है देन यू विल से कि हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तरफ जाना है। अब ये वाली जो डायग्राम और फिगर है, ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि कैसे चीज़ें मूव करती हैं, थोड़ा एक विजुअलाइजेशन के लिए रखी गई है ये फिगर यहाँ पे। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के अंदर ये देखो, ये डिस्क्रीट है एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे अगर आप प्लॉटिंग देखो ना वेरियस फंक्शंस की, देन यू विल रियलाइज कि आपके पास डिफरेंट आ रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम आएगी। अगर आप ये नंबर भी लेते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर सेम ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, बट इसका जो ग्राफ है या फिर जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, दैट इज डिफरेंट। जैसे कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे, दे आर 0 to 1/6,
और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में कितना है, 0 to 1। ओके, बट रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपने याद रखनी। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के अंदर क्या रहता है, यू डू नॉट, और यू आई वुड से यू डू नॉट रिप्रेजेंट इन दी यू कैन से फॉर्म ऑफ अ कर्वी लीनियर ग्राफ और अ बेल कर्व। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो ग्राफ आता है, इट इज इन मोस्ट ऑफ द केसेज इट इज वॉट इट इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ये आपने थोड़ा याद रखना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट याद रहेगा तो हमारे लिए चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी हम CDF पढ़ेंगे आगे, बट अभी थोड़ा सा माइंड में आप रखो ये पिक्चर, सो दैट जब हम CDF पढ़ें तो हमारे पास ये मेंटेलिटी रहे कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आर फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, अलग अलग वेरिएबल्स के लिए, बट CDF जब हम डिफाइन करेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, then it can be used for discrete or continuous or a combination of both of these. okay, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने यहीं पर देख ली CDF की। फाइन, प्रॉपर्टीज अगर पता होंगी तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होएगा एग्जाम में। अब PMF को और उसकी आई वुड से एक एप्लीकेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोजिंगली देर आर नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइविंग इन अ बैंक एट अ पर्टिकुलर टाइम इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हम टाइम देंगे 10 to 12 सुबह का, तो उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास एक रेंज आ जाएगी कि 1 to 10 कस्टमर्स ही आए हैं। नो, ऐसा तो नहीं होएगा, एक फिक्स नंबर आएगा हमारे पास कि हाँ जी 7 कस्टमर्स जो हैं उन्होंने विजिट की है हमारी ब्रांच बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 10 AM till 12। ओके, तो ये एग्जांपल हमने लिया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल अलॉन्ग विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इस पर्टिकुलर केस में हम कौन सा फंक्शन डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो एक एक करके देख लेते हैं। FX इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, हम इसको FX के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं। फाइन, PMF अगर लिखा हुआ कहीं पे PMF, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, इट विल बी FX। बस सिंपल आपने ये याद रखना है, मास फंक्शन ऑफ X। X क्या है, आपका जो रैंडम वेरिएबल है। इफ फॉर ईच पॉसिबल आउटकम ऑफ X, FX इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन शुड बी पॉजिटिव इन नेचर। इक्वल टू 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा। फाइन, तो या तो पॉजिटिव होगा या 0 होएगा। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे, दैट द समेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन विल बी 1। प्रोबेबिलिटी एज यू नो कि आपका जो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, ये वाला दिस वन, यहाँ पे जो टोटल है इट शुड बी 1, वो यहीं से आया है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है उसका जो समेशन है सारी आउटकम्स का, इट शुड बी 1। एंड वेन I define probability function like this in case of PMF. तो आपका जो function होगा it will be equal to what? Probability of a particular of a particular event when that event is equal to what? Equal to the random variable which you have considered here. Fine. Probability that X, that is random variable, is equal to X. Small x. Small x कौन सा है जो आपने PMF में use किया। फाइन, तो ये तो तीन प्रॉपर्टीज इनफैक्ट आपको याद रखनी है PMF के केस में। अब PDF देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, इसका एग्जांपल है, थोड़ा सा एक इंटरवल वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें। तो इसलिए क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक इन अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं वो कैसे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सभी को सेम ही 13% जो रिटर्न है वही मिल जाएगा। ओके, एक रेंज अगर हम लेंगे जिन भी बायर्स ने जो है स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो उनकी जो रेंज है रिटर्न की वो कुछ ना कुछ अलग होगी, एक रेंज आएगी, एक फिक्स्ड नंबर नहीं आएगा। फाइन, तो द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल विद पॉसिबल वैल्यूज दैट इज द प्रोबेबिलिटीज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज कॉल्ड एज PDF और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फाइन, तो ये वाला जो ग्राफ है दिस इज फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और यहाँ पे ये वाला जो फिगर है इट इज फॉर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये साथ साथ में लेके चलना है सो दैट थोड़ा विजुअलाइजेशन भी हो। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स बट अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। अब PDF के अंदर आपके पास कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं। सपोजिंगली FX से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं PDF को फॉर अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, एंड FX मल्टीप्लाई बाई DX रिप्रेजेंट्स द एरिया
बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कर्वी लीनियर या फिर सिमिट्रिकल कर्व आपको मिलेगा. फाइन, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे तो कहीं नहीं है ना कर्वी लीनियर या कोई भी कर्व. तो इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जो कर्व है या फिर कर्व का जो फंक्शन है, दैट यू मस्ट नो सो दैट आपको पता लगे कि पीडीएफ की बात हो रही है या फिर पीएमएफ की बात हो रही है. एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एट द पॉइंट्स एक्स माइनस डी एक्स बाय टू एंड एक्स प्लस डी एक्स बाय टू. थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया है आई नो, बट एक चीज़ है जो आपने याद रखनी है हमेशा, जब भी आप किसी कर्व का एरिया, सपोजिंगली ये कर्व है, फाइन दिस इज़ वन कर्व, यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में जो ये शेडेड रीजन है, लेट से ये वाला, इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं हमेशा क्या यूज़ करूँगा, इंटीग्रेशन. दिस इज़ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. फाइन, और जो उसके वेरियस लिमिट्स हैं, जैसे कि ये मान लो ये एक लिमिट है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ द लिमिट. तो ये लिमिट मैं कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करूँगा, एक्स माइनस डी एक्स बाय टू, और ये वाली जो लिमिट है इसको मैं क्या बोलूँगा, एक्स प्लस डी एक्स बाय टू. फाइन, तो एक लिमिट डिफाइन होगी, एरिया सबसे पहले डिफाइन हुआ, लिमिट डिफाइन होगी कि लिमिट डिफाइन कर देते हैं, और अब मुझे जो शेडेड रीजन है और द एरिया, ये वाला जो एरिया है इसको कैलकुलेट करना है यूजिंग व्हाट, हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं कर्व्स के लिए, इंटीग्रेशन. फाइन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेम ही है, दैट एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. जो ये पी डी एफ है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, जैसे पी एम एफ था वैसे ही पी डी एफ भी है. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है विच इज़ यूनिक टू पी डी एफ, यू कैन से दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन मल्टीप्लाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू वन. यहाँ पे हमने क्या देखा था, समेशन ऑफ फंक्शन और द पॉसिबल आउटकम शुड बी वन, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, बिकॉज एरिया, जैसा मैंने आपको बताया, एरिया जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कर्व का, तो उसके अंदर हमें हमेशा क्या यूज़ करना होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. फाइन, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वन. ठीक है, ये आपने याद रखना है. तो अगर ये दो चीज़ें हमें याद रहेंगी, एक तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, देन यू कैन से कि हाँ पी डी एफ का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में थ्योरेटिकल इन नेचर, देन वी कैन टैकल इट. और एक और प्रॉपर्टी विच इज़ ऑब्वियस, बट यू कैन से कि आप इसको भी एक प्रॉपर्टी के तरह ही कंसिडर कर सकते हैं, प्रॉबेबिलिटी दैट अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विल अज्यूम अ पर्टिकुलर वैल्यू इज जीरो. ओके, ये तो हमें पता ही है, बिकॉज अगर हम एक पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमेशा ही इंटरवल्स आएंगे. फाइन, और आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी विल बी ज़ीरो. ओके, क्योंकि इंटरवल ही आएगा, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो इसीलिए है. अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी ही नहीं, तो हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी इज ज़ीरो. तो पीएमएफ और पीडीएफ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. अब एक्सपेक्टेशन और मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल पे, एक्सपेक्टेशन बोल लो मीन बोल लो एक ही बात है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन बेसिकली इट इज़ दी एवरेज और मीन ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है और नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकती है, वी डू नॉट नो इट, दैट इज़ वाई सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है. द मीन और द एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज ई एक्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल समटाइम्स डिनोटेड एज म्यू, दिस इज द साइन ऑफ म्यू, is the value that is expected to occur per repetition if an experiment is repeated a large number of times. Okay, simply आपने ये समझना है कि expectation क्या है, it is the mean, और इससे ज़्यादा नहीं समझने की ज़रूरत. and अगर आपको formula पूछा जाए, then formula you must remember, this is the most important formula. अगर आप expectation, mean, standard deviation, variance और सी डी एफ को समझना चाहते हैं या फिर उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं. फाइन, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक केस लिया गया जहाँ पे एक्स जो है इट इज़ अ रैंडम वेरिएबल. ओके, इसकी वैल्यूज जो हैं 0, 1, 2, 3, 4 हो सकती हैं, एंड इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज हैं दे आर 0.1, 0.15, 0.4, 0.25 एंड 0.1. इनको भी अगर आप ऐड करेंगे देन यू विल रियलाइज कि पी एक्स इज इक्वल टू वन. ओके,
तो यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन और मीन को वो देख लेते हैं. दिस इज द फॉर्मूला, म्यू एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय पी एक्स. ओके, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अगर एक्सपेक्टेशन बोली जाए? सबसे पहले तो हमने ये टेबल बना लेना है, या फिर गिवन ही होगा. अगर नहीं गिवन है और डेटा गिवन है रॉ फॉर्मेट में, तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा. टेबल अगर गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्यू एक्स इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस, क्योंकि समेशन का साइन है ना, तो ऐड करेंगे सारे. 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1. तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन और मीन ऑफ अ पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल. फाइन, सिंपल सा फार्मूला है, ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. बट अगर पता होगा तो हमारे पास CDF तक की जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी फार्मूला के रिस्पेक्ट में. तो ये तो हो गया आपका डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए. फाइन, डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब ये डिस्क्रीट ही है ना, यहाँ पे वैल्यूज डिफाइंड है, इंटरवल नहीं है यहाँ पे. देर आर नो इंटरवल्स, दीज आर वैल्यूज. अगर मैं बात करूँ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, जहाँ पे इंटरवल्स होंगे, तो अभी हमने देखा कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो सिमिलरली आपका जो फार्मूला है इट विल बी ई एक्स. अब यहाँ पे ई एक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है दैट इट इज़ प्रोहिबिटेड. ई एक्स भी यूज़ करते हो, बट हाँ रिप्रेजेंटेशन जो नॉर्मल सर्कमस्टांस है उसमें हम म्यू ही करते हैं. ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स. यहाँ पे क्या था, एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स का समेशन हो रहा था. दिस साइन वॉज यूज, दिस इज समेशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा सा यूज होगा, बट हमारे एग्जाम में अभी तक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का तो क्वेश्चन नहीं आया. तो आई एम होपिंग कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ना पढ़ना पड़े, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज़ें. ओके, इस फॉर्मूला पे आपने ध्यान देना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकियों को अगर आ रहा है तो हमें भी आना चाहिए. ये फार्मूला जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन और मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल. आगे चलते हैं, वेरियंस पे आते हैं. वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है वो देख लेते हैं जल्दी से, सो दैट फार्मूलाज तक हम आ सकें. वेरियंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स मेजर्स व्हाट? इट मेजर द स्कैटर्डनेस ऑफ डेटा. ठीक है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस में देखा था ना, वेरियंस का एक कॉन्सेप्ट था. तो इट मेजर्स व्हाट? स्कैटर्डनेस, कि कितना स्कैटर्ड है डेटा. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? सिग्मा स्केयर, सिग्मा स्केयर. फाइन, और डिफाइन बाय फार्मूला. इफ़ यू आर थिंकिंग कि फार्मूला क्या होएगा, दिस विल बी द फार्मूला. वी एक्स इज द वेरियंस एंड दिस इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, बीच वाला फार्मूला आप स्किप कर सकते हैं. दिस इज द फार्मूला फॉर योर फॉर कैलकुलेटिंग वेरियंस. यहाँ पे क्या होता है, एक्स का स्केयर मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, इसका समेशन माइनस आपके पास जो होएगा समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स का होल स्केयर. फाइन, जो भी समेशन आएगा उसका स्केयर. तो इसको फॉर्मूला को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यू कैन लर्न और यू कैन रिटेन दिस पर्टिकुलर फार्मूला ऑल्सो. वेरियंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट के अंदर अगेन जो सिंपल फार्मूला है वही यूज़ होएगा. और वेरियंस ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन. डिस्क्रीट में हमने यही फार्मूला यूज़ करने हैं, कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होएगा, आपके पास इंटीग्रेशन जो होगी इस पर्टिकुलर वैल्यू की होगी. समेशन की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन. और लिमिट्स जो हैं वो डिफाइंड रहेंगी क्वेश्चन में. ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टिल प्लस इन्फिनिटी हम करेंगे, नो, आपके पास लिमिट्स डिफाइंड रहेंगी. ओके, तो ये फार्मूला है जो आपको याद रखना है, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का. एंड जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था स्कैटर्डनेस वाला, हमने ये शायद यूनिट नंबर 3 में देखा है, जहाँ पे आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन था. तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में एक फार्मूला हमने ये भी देखा था, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या बोलते थे, अंडर रूट ऑफ वेरियंस. फाइन, तो अगर वेरियंस हमें पता है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो ये एक्स और पी एक्स का है, वो आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो, इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे. ओके, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे आते हैं. अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज CDF फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स. यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, ये प्लॉटिंग जो है, दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज फॉर योर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. फाइन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके, बट अगर मैं यहाँ तक जाऊँ, मतलब यहाँ तक आप बोल सकते हो दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बट अगर लिमिट्स जो हैं दे आर नॉट डिफाइंड और इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, देन वी विल से दैट दिस इज व्हाट, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. ओके,
दोनों के लिए ही, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वी कैन यूज वॉट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. अब डिफरेंस क्या है इसमें पीएमएफ में और पीडीएफ में तो देख लिया, तो पीडीएफ और पीएमएफ के अलावा हम सीडीएफ क्यों यूज कर रहे हैं जब हमारा वहां से काम चल सकता है? दैट इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी पर्टिनेंट. तो देख लेते हैं, डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं. द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सी डी एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल इज अनदर मेथड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. इट इज जस्ट अनदर टाइप जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को. एडवांटेज क्या है सी डी एफ? एक्चुअली इट डिफाइंस, इट कैन बी डिफाइंड फॉर एनी काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट में भी हम यूज कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस में भी और मिक्सड में भी. तो दैट इज वाई वी नीड टू डिफाइन और वी नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ सी डी एफ. यहाँ पे आपके पास जो प्रॉपर्टीज है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पी एम एफ पी डी एफ एंड सिमिलरली इन सी डी एफ ऑल्सो. तो सपोजिंगली एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विद पी एम एफ और पी डी एफ एज एफ एक्स. ओके, एंड एफ एक्स जो फंक्शन आपने डिफाइन करना है क्यूमुलेटिव फंक्शन, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू द पर्टिकुलर डेटा पॉइंट दैट इज एक्स. फाइन, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉपर्टीज कि आपका जो एफ एक्स है जो क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन है, ये एफ एक्स इज द क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे. फाइन, दिस इज सी डी एफ. दिस शुड लाई बिटवीन 0 to 1. ओके, ऑब्वियसली बात है. इफ वी आर टॉकिंग दैट द फंक्शन और द सी डी एफ इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी, तो हम क्या बोलेंगे? वैल्यू कितनी होएगी उस फंक्शन की? 0. और अगर प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है देन इट विल बी प्लस 1. बिकॉज हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए हम इसे पढ़ रहे हैं, एंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंजेस बिटवीन वॉट? 0 to 1 ओनली. एफ एक्स इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट. ओके, इट विल नॉट डिक्रीज. जो प्लॉटिंग है इसकी हमेशा ऐसे ही होने वाली है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सा और ऊपर, एंड टिल इन्फिनिटी यू विल गेट द लिमिट. व्हेन यू सेट द लिमिट एज एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपका जो सी डी एफ एफ एक्स जो आएगा दैट विल बी 1. ओके, हमेशा इट विल मूव टूवर्ड्स राइट. ओके, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. और साथ में आपने क्या याद रखना है? दैट इट ऑलवेज इंक्रीजेज. जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे इट विल इंक्रीज, डिक्रीज नहीं करेगा ये. ओके, तो थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आता है तो भी हम इसको हैंडल कर पाएं, इसलिए प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली हैं. अब आते हैं क्वेश्चन पे जिसके लिए हमने पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो डिजाइन किया. तो क्वेश्चन कहता है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्सपेक्टेशन वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सी डी एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, एक्स क्या है आपका? एक्स इज द रैंडम वेरिएबल. ओके, तो रैंडम वेरिएबल की कौन सी वैल्यूज हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो क्वेश्चन में गिवन है. और जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है दैट इज एफ एक्स, और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, एक्स के रिस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आ रही हैं, दे आर के के एंड के प्लस 0.1. तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टेप 1 में? के की वैल्यू, ये जो वैल्यूज हैं सारी पता करनी पड़ेंगी. ओके, उसके बाद ही हम एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. फिर हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, देन वेरिएंस को यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, एंड फाइनली वी विल सी कि सी डी एफ के बारे में हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसको हम डिफाइन ऐसा नहीं कर सकते कि आपने बस सिंपली एक टर्म दे दिया, एक नंबर दे दिया, उसकी हमेशा हम रेंज लेंगे. फाइन, तो वो देख लेते हैं कैसे रहेगा. सबसे पहले ये चीज़ें गिवन है आपको, एफ एक्स एंड एक्स आर गिवन. तो हम क्या करेंगे, वी विल सी और वी नो दैट समेशन ऑफ एफ एक्स, जो आपका ये वाला एफ एक्स है, इसका समेशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी 1, बिकॉज प्रोबेबिलिटी फंक्शन है. तो समेशन क्या होएगा? 1 होएगा. और यहाँ पे वैल्यूज जो है वो क्या क्या गिवन है? के प्लस के प्लस के प्लस 0.1, दिस शुड बी इक्वल टू 1. तो ये क्या हो जाएगा? 3k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, एंड फाइनली k की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास? k वुड बी 0.3. सॉल्व करोगे इट विल बी 0.3. तो k की वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पुट कर देनी है 0.3 प्लस 1 इज 0.4. अब हमारे पास जो प्रॉपर टेबल है वो आ गया रैंडम वेरिएबल का एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का.
ओके अब हम एक एक करके जो चीज़ें हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है और जो मीन है उसकी वैल्यू कैसे होगी. समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, तो एक एक करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहला क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4. तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा. दिस विल बी वॉट, 0.3 प्लस 0.8 विच विल बी इक्वल टू 1.1. तो ये 1.1 जो है ये आ गया आपका एक्सपेक्टेशन और मीन. अगर मीन पूछा होता तो भी सेम ही फॉर्मूला है. देन वी हैव वेरियंस. वेरियंस अभी हमने फार्मूला देखा था. वेरियंस का फार्मूला जो है वो क्या रहता है, वेरियंस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वेयर माइनस ई एक्स का होल स्क्वेयर. यही है ना फार्मूला. हाँ, दिस इज द फार्मूला. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, समेशन एक्स स्क्वेयर एफ एक्स माइनस समेशन एक्स एफ एक्स का होल स्क्वेयर. ओके, तो समेशन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स करते हैं. एक्स स्क्वेयर क्या है, इसका स्क्वेयर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा. देन प्लस करेंगे, स्क्वेयर ऑफ 1 इज 1, तो 0.3 प्लस ये आपके पास इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, तो इट विल बी वॉट, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4. ये आ जाएगी एक वैल्यू. और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स. तो यही है, एक्स एफ एक्स आपने ऑलरेडी फाइंड आउट करा हुआ है, 1.1 का स्केयर. तो फाइनली इसकी वैल्यू जो है इट विल बी 1.9. और जो माइनस हम करेंगे, इसका जो स्केयर का वैल्यू आएगा इट विल बी 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, तो कितना होता है, 121, 12. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है विच विल बी 0.69. फाइन, तो यहाँ पे वेरियंस भी आ गया हमारे पास. आफ्टर दैट वेरियंस का जो अंडर रूट अगर हम करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन. तो तीनों चीज़ें आ गई काफ़ी इजीली क्योंकि फार्मूला हमें पता था. अब देखते हैं CDF कैसे हम फाइंड करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट थोड़ा सा. तो CDF एज यू नो एफ एक्स से हम डिनोट करते हैं. दिस शुड बी इक्वल टू वॉट, अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखी है इसको साथ में अपने माइंड में लेके चलना है. दिस वन, एफ एक्स वेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, जो आपका ये फंक्शन आया. फाइन, फंक्शन कौन सा है, दिस इज दी प्रोबेबिलिटी CDF ओनली ना. तो ये वाला जो फंक्शन है, दिस शुड बी इक्वल टू 0. अब आप इनकी वैल्यूज अगर पुट करेंगे यहाँ पे इस वाले टर्म की, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट में देखो यहाँ पे 0 टिल 1, 0 टिल 1 एक रेंज है आपके पास. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 0 टिल 1, इट इज 0.3 ओनली. तो 0.3 विल बी द आंसर. देन क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, व्हेन एक्स इज बिटवीन 1 एंड 2, तो कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, 0.3 प्लस 0.3. ओके, इट विल बी व्हाट, 0.6. तो 0.6 आ गया. एंड फाइनली जो विल व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बिकॉज इट इज, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. यही हमने देखा ना उसकी प्रॉपर्टी में, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज यू मूव राइट वर्ड्स. तो व्हेन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी प्रोबेबिलिटी की, इट विल बी 1, बिकॉज प्रोबेबिलिटी एज यू नो इट लाइज बिटवीन, द प्रोबेबिलिटी फंक्शन बेसिकली लाइज बिटवीन 0 टू 1. तो आपके पास CDF ऐसे डिफाइन हो जाएगा, इन पर्टिकुलर यू कैन से रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए. ओके, तो यही था आज का लेक्चर. आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी. अगर कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट बिलो इन द चैट सेक्शन. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेल अस द डाउट एट hello@edutab.co.in. इफ़ यू लाइक द कंटेंट विच यू प्रोवाइड ऑन आर यूट्यूब चैनल, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट. द चैनल्स नेम इज edutab GIBCIB. टेलीफोनिकली दिस इज द नंबर वेर यू कैन कंटैक्ट अस. माई एडवाइस वुड बी, इस लेक्चर के बाद आपको जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर से सॉल्व करने हैं अपनी IIABF की बुक में, जो कि ऑलरेडी सॉल्व है. सॉल्व न्यूमेरिकली सॉल्व करके देख लोगे ना एक बारी, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी. ओके, सो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.